हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो स्टोरी की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि अक्ष का एक्सीडेंट हो जाता है और श्रुति को वो उससे पहले गाड़ी से नीचे धक्का दे देते हैं। धक्का देने के बाद श्रुति हेल्प मांगती है और इनको हॉस्पिटल लेके जाती है। इधर समिता पूरी रात इंतजार करती रहती है कि किसी का एक मैसेज आ जाए, एक कॉल आ जाए। ये सिर्फ मेडिसिन दिलाने गए थे, कहाँ रह गए, कुछ नहीं पता चलता। और समिता की हालत भी खराब होने लगती है। उनके भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन कोई सोर्स नहीं होता पता करने का, क्योंकि श्रुति भी फोन नहीं उठा रही होती, अक्ष भी फोन नहीं उठा रहे होते, मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं होता और किसी का कांटेक्ट नहीं होता उनके पास। बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा। इधर हॉस्पिटल में आने के बाद श्रुति किसी से फोन लेके, क्योंकि फोन उसका भी नहीं होता और अक्ष का फोन भी एकदम खराब हो चुका होता है, तो किसी से फोन लेके वो घर पे कॉल करती है। सना को और अनायशा को कॉल करती है। सब लोग वहां आते हैं। पूरी रात इसी तरह बीत रही होती है। किसी की आंखों में नींद तो होती नहीं है और श्रुति का तो हाल बेहाल होता है, बहुत खराब होता है। वो अपने आप को कोस रही होती है कि सब मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से। काश कि मैं रात को मना कर देती कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है, लेकिन मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ, कैसे? सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैंने इनकी जिंदगी खतरे में डाल दी। वैसे ही पहले इनके इतने हेल्थ इश्यूज हैं, इतनी मेडिकल कंडीशन इनकी इतनी खराब है, और अब ये मैं इनके लायक ही नहीं हूं, मैं इनका ख्याल कभी रख ही नहीं सकती हूं। क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया, इनके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं, कैसे? और श्रुति की मॉम, मतलब कि अक्ष की मॉम, तो श्रुति की भी मॉम हो गई है। वो आगे बढ़ती है और श्रुति की हालत देख के उसको जोर से हक करती है और कहती है कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। श्रुति कहती है मॉम, मैं इस समय कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस ये ठीक हो जाए। आप मुझसे जो कहोगी ना, कोई भी व्रत, कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र, कोई भी जाप, सब करने के लिए तैयार हूँ, बस ये ठीक हो जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। सब लोग श्रुति को उस समय बहुत समझाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होगा, अपने ऊपर कंट्रोल करो, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन श्रुति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, काफी टाइम बीत चुका होता है और अक्ष को अभी तक होश नहीं आया होता। सर में से काफी ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड चढ़ाया जाता है उन्हें, और बहुत कोशिश की जाती है उनको रिकवर करने की, लेकिन अभी तक डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया होता। रात बीतने लगती है, सुबह होने लगती है, उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ उन्हें दिखाया जाता है डॉक्टर्स को, जिसके बेसिस पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। हार्ट रेट बहुत कम हो चुकी होती है, बॉडी के हर पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर जब उनकी मेडिकल फाइल देखते हैं तो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शॉक्ड। कहते हैं इनकी तो मेडिकल कंडीशन बहुत खराब है। तो नायशा और सना कहते हैं हाँ। तभी उनके कजन वहाँ आती हैं अक्ष की, और वो डॉक्टर से कुछ बातें करती हैं, और उनकी मतलब जान पहचान में एक डॉक्टर होते हैं जो न्यूरोसर्जन होते हैं, तो उनसे बात कराते हैं उन डॉक्टर की, और डॉक्टर उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और कहते हैं प्लीज़ एक बार आके यहाँ इन्हें चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ इस समय भेजना पॉसिबल नहीं है, तो आप प्लीज़ एक बार आके इन्हें यहाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो न्यूरोसर्जन है वो अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो प्लीज़। तो वहाँ पे वो भी आते हैं और उनके कज़न की उन डॉक्टर से कुछ बात होती है। डॉक्टर भी अभी ज़्यादा एज के नहीं होते हैं, और लेकिन बहुत अच्छे न्यूरोसर्जन होते हैं, तो उन्हें बुलाया जाता है और अक्ष का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। रात से सुबह हो चुकी होती है, अभी भी वो बेहोश होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स बाहर आते हैं और कहते हैं कि अभी तो सब ठीक है, लेकिन बस होश देखो कब तक आता है, उसके बाद ही और कुछ बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। श्रुति बहुत परेशान होती है, वो बस इतना ही सुनती है और उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा ढीले हो जाते हैं। वैसे ही वो अपने आप को कसूरवार समझ रही होती है, और ये सुन के तो उसकी हालत खराब हो जाती है। सब लोग श्रुति को वहां से घर भेजते हैं अक्ष के भाई के साथ, कि जाके तुम थोड़ा रेस्ट कर लो और अपने आप को फ्रेशन अप करो, नीड है। श्रुति के भी पैरों में चोट लगी होती है, तो अनायशा की नजर उस पर पड़ जाती है, कहती है श्रुति एक मिनट। श्रुति रुकती है, अनायशा जाके उनके पैरों की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें भी चोट लगी है, तुमने बताया क्यों नहीं। श्रुति कुछ नहीं कहती और कहती है बस ज्यादा खास नहीं है, वो तो इन्होंने मुझे पहले ही गाड़ी से धक्का दे दिया था। सब ठीक है, मुझे ज्यादा चोट नहीं है। अनायशा वहाँ उनके थोड़ा सा बैंडेज वगैरह उस पर करवाती हैं, डॉक्टर भी चेक करते हैं तो कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा स्प्रेन है, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए।
श्रुति को फीवर भी हो जाता है दोबारा से, तो उनका भी ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिंस वगैरह उन्हें दी जाती हैं और फिर उन्हें घर लेके हर्ष चला आता है। आने के बाद उनका भाई अक्ष का जो उन्हें लेके आता है, तो कहता है भाभी आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। श्रुति मना कर देती है, कहती है नहीं भैया मुझे कुछ नहीं खाना। तो श्रुति के भाई जो होते हैं वो उन्हें काफ़ी समझाते हैं कि प्लीज़ आप कुछ खा लीजिए, अगर आप इस तरह से करेंगे तो उन्हें कौन संभालेगा। कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता वो ठीक नहीं हो जाते हैं, मैं पानी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, खाने की तो बात बहुत दूर है। वो सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आयुष नाम होता है उनका, तो आयुष कहते हैं कि क्या मतलब है भाभी आपका ये, आप इस तरह से करोगे तो उनको कौन संभालेगा। तो कहते हैं आयुष शायद मैं उनकी ज़िंदगी में हूँ इसीलिए उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं होती तो शायद ये सब होता ही नहीं, मुझे ये चीज़ें लेट समझ आई हैं। आयुष उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि भाभी ऐसा कुछ नहीं है, अगर यही चीज़ उनके साथ वो अकेले होते तब हो जाती, तो आप इस तरीके से क्यों नहीं देख रही हो सिचुएशन को कि आप साथ थे तो आप टाइमली उन्हें हॉस्पिटल ले जा पाई, अगर आप नहीं होती तो। श्रुति कहती है भैया मुझे इस समय ना ये सारी बातें बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रही हैं, मुझे बस इस समय ये लग रहा है कि मैं इनके साथ नहीं होती तो ये बाहर जाते ही नहीं ना इतने टाइम पे, और ऐसा कुछ होता ही नहीं। बात ख़त्म, प्लीज़ इस समय मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए और मुझे कुछ नहीं खाना प्लीज़। आयुष अपनी भाभी से कहते हैं ठीक है जैसी आपकी मर्जी, ये भूल के वो रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं कि कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ बताइएगा मैं यहीं हूँ। उसके बाद श्रुति अपना फ़ोन ढूंढती हैं अपने मॉम डैड को कॉल करने के लिए, तभी उन्हें याद आता है कि स्मृति समिता को तो कुछ नहीं पता, वो रात से परेशान हो रही होंगी। वो फटाफट अपना फ़ोन उठाती हैं और समिता के मैसेजेस चेक करती हैं, उनसे बात करती हैं और उन्हें सिचुएशन बताती हैं। समिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा, उनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है सब सुन के। लेकिन वो खुद को संभालती हैं क्योंकि उन्हें तुरंत याद आता है कि इस समय श्रुति को संभालना है, अगर मैं वीक पड़ गई तो श्रुति को कौन संभालेगा, उनको संभालने के लिए भी तो मुझे स्ट्रांग रहना है ना। तभी श्रुति समिता के ऊपर एक बम फोड़ देती है और वो कहती है कि आप इनका ध्यान रखिएगा। समिता बोलती है क्या मतलब है आपका, श्रुति बोलती है कि मैं मॉम एंड डैड को बुला रही हूँ और मैं उनके साथ जा रही हूँ वापस, मैं इनके साथ रहूँगी तो इनकी ज़िंदगी पे ऐसे ही खतरा मंडराता रहेगा, इनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहेगा, तो आई थिंक मुझे इनके ज़िंदगी से चले जाना चाहिए,
मैं इनके साथ रहूंगी तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो आई थिंक मुझे इनकी जिंदगी से चले जाना ही बेहतर होगा, सबसे ज्यादा बेहतर। समिता कहती है, एक बार सोच लो श्रुति, एक बार सोच लो। मुझे आपके प्यार पे पूरा भरोसा है। जिस तरह आप उनसे प्यार करते हो, जिस तरह उनकी केयर करते हो, वो सब मैं नहीं कर पाऊंगी। आपके बिना मैं भी उन्हें नहीं संभाल सकती हूँ। प्लीज एक बार सोच लो, प्लीज। एक बार प्लीज। श्रुति कहती है कि I don't know, मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे बताइए ना, जो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, मेरे साथ नहीं रहना चाहता, जिसे मुझे देख के हर वक्त तकलीफ होती है, कैसे कैसे मैं यहाँ उनके साथ रह के उनकी तकलीफ को बढ़ाती रहूं, कैसे, बताओ आप। बताओ ना, चुप क्यों? प्लीज बताओ। कैसे उनकी तकलीफ को बढ़ाऊं मैं, जब मुझे दिखता है कि वो कितने दर्द में है, वो क्या फील करते हैं, मेरे साथ उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, तो भी मैं उनके साथ रह के उनके प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ाऊं, क्यों? हाँ बताओ, कहती है मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन आपको लगता है कि आपके चले जाने से सब ठीक हो जाएगा, आपके उनके दूर जाने से सब ठीक हो जाएगा? तभी श्रुति कहती है, ठीक है, देखती हूँ, पहले पता करूँ कि क्या कंडीशन है। नहीं करूंगी तब तक कोई डिसीजन नहीं ले सकती हूँ। समिता कहती है, जो भी हो मुझे बता देना एक बार, प्लीज। श्रुति कहती है, ठीक है। तभी उनके फोन पे फोन आता है,
श्रुति के फोन पे हॉस्पिटल से अनायशा का. श्रुति बोलती, हाँ बोलिए भाभी, क्या कंडीशन है. अनायशा उन्हें सब डिस्क्राइब करती है कि होश में आ गए हैं और शायद थोड़ी देर में डिस्चार्ज भी हो जाएंगे, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत खराब है, बहुत ज्यादा. श्रुति बोलती है, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ, मुझे डॉक्टर से बात करनी है. इधर उनकी कजन डॉक्टर से कुछ बातें कर रही होती हैं और उनकी मॉम भी तब अंदर एंटर करती हैं और डॉक्टर से मिलती हैं, बातचीत करती हैं. डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि अक्ष की मेडिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी हार्ट रेट, उनका माइग्रेन, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. तभी वहाँ श्रुति पहुँचती है और श्रुति कहती है, ये सब कम कैसे होगा. कहते हैं, देखो साइंटिफिकली देखा जाए तो ये चीज़ें मेडिसिन से तो कवर होंगी ही होंगी, लेकिन उससे ज़्यादा नीड है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बॉडी नीड से भी कवर हो जाती हैं. तो आप कौन वैसे. तो श्रुति बोलते हैं कि आई एम हर पार्टनर. कहते हैं, फिर तो आपसे बात करना ही ज़रूरी है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब, ये तो आपने सुना ही होगा कि फिजिकल नीड और भी बहुत ज़रूरी होती है बहुत सारी डिजीज़ को कवर करती है. तो अगर आप पार्टनर हो तो आप थोड़ा उनका ध्यान रखिए और कुछ नहीं. और ये कह के डॉक्टर कहते हैं कि बाकी आप समझदार हो. श्रुति बोलती है, जी मैं देखती हूँ. कहते हैं, बाकी हम मेडिसिन दे ही रहे हैं और पहले की जो उनकी मेडिसिन चल रही हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, तो ये आप कंटिन्यू कर सकते हो. और बाकी सब ठीक है, इतने टेंशन की कोई बात नहीं है. थोड़ा सा सर में चोट है तो टाइम के साथ वो भी ठीक हो जाएगी. इधर न्यूरोसर्जन और डॉक्टर में आपस में कुछ बात होती है और अनायशा श्रुति को बाहर ले जाती हैं, उनसे बातें करती हैं. उनकी जो मेडिकल कंडीशन होती है वो अनायशा को भी काफ़ी हद तक पता होती है. काफ़ी हद तक क्या, सब कुछ ही पता होता है. तो वो दोनों आपस में बातें करते हैं. इधर न्यूरोसर्जन से उनके कज़न कुछ बातें करती हैं क्योंकि उनके काफ़ी क्लोज डॉक्टर होते हैं वो, और कुछ मेडिसिंस वगैरह उसमें चेंज की जाती हैं. और फिर अक्ष को लेके घर आया जाता है. ये बात श्रुति समिता को बताती हैं कि अब होश में है और घर आ रहे हैं. समिता को भी थोड़ा चैन बढ़ता है. तो देखते हैं आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा. तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर. और हाँ, मुझसे किसी ने एक सवाल किया था कि उनकी जीएफ उन्हें हर बात पे कहती है कि मुझे शो ऑफ करना नहीं आता, शो ऑफ करना नहीं आता. तो उनको बस मैं इतना कहूँगी कि अपनी जीएफ को थोड़ा सा स्पेस दीजिए. शो ऑफ का मतलब आपको भी पता है कि दिखावा करना नहीं आता, और वो दिखावा किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी भी चीज़ में. तो उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए और अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा ताज़ा करने की कोशिश कीजिए.
उनको उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, ये सब जानने की कोशिश कीजिए। बस अभी इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं किसी चीज़ से और हम कह नहीं पाते, तो मुँह से यही वर्ड्स निकलते हैं कि यार परेशान ना करो, मैं हर बात पे तुम्हें शो ऑफ नहीं कर सकती हूँ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उनसे बात कीजिए, उन्हें इमोशनली सपोर्ट कीजिए और आई होप सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।